लॉकडाउन की अवधि में गायों की हो रही दुर्दशा, गौशालाओं में नहीं रखा जा रहा उनका ख्याल। मंडी धनोरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते युवा विधायक राजीव तरारा। राजीव तरारा अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव डींगरा में स्थित गौशाला का निरीक्षण करने के लिए गए। गौशाला में अपने हाथों से गायों को चारा खिलाते हुए यह कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते भाजपा के मंडी धनोरा क्षेत्र के युवा विधायक राजीव तरारा हैं, जिन्हें कौन नहीं जानता। वह बहुत ही तेज तर्रार और बहुत अच्छे वक्ता हैं और ईमानदार भी हैं और इनके ऊपर आज तक एक भी आरोप नहीं लगा है। लेकिन राजीव की कुछ खूबियाँ और भी हैं। राजीव एक दयावान इंसान है जिनके अंदर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी व जानवरों से भी प्यार करने का बहुत बड़ा दिल है। गाय से इनको अटूट प्रेम है, इसीलिए आज गौशाला पहुंचे और उन्होंने जो सेवा कार्य की वह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उन तस्वीरों को देखकर आपका दिल भी गदगद होने लगेगा। विधायक राजीव तरारा ने इलाके के अन्य लोगों से भी गाय की सेवा करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन में पशु पक्षी व जानवर भूखे हैं, उनको भूखा ना रखा जाए। आप सब लोगों का कर्तव्य है कि आप सब लोग उनके चारे की और खाने की व्यवस्था करें। इससे पहले भी राजीव अपने हाथों से बानर सेना को भोजन करा चुके हैं और वह लगातार उनके लिए केले वगैरह की व्यवस्था करते रहते हैं। समर इंडिया के लिए गजरोला से भरत सिंह की रिपोर्ट। डींगरा जो गौशाला है उसका निरीक्षण किया, क्योंकि कोरोना में जो लॉकडाउन चल रहा है तो पशुओं को पक्षियों को भी परेशानी आ रही है, इसके चलते हम गौशाला का निरीक्षण किया। साथ ही जो चारा काट करके हम पास के खेत में जहाँ से चारा आता है उनका चारा लेकर के आए, उनको खिलाया और जो मशीन लगी थी वहाँ पर भी चारा काटा गया। और जो गांववासी हैं उनसे एक आग्रह किया गया है, जो प्रमुख लोग थे उनसे कहा फोन के द्वारा या जो मिले दो चार छः लोग उनसे कहा कि वे पशुओं का भी ध्यान रखें और जो हमारी गऊ हैं या अन्य पशु हैं वो कहीं भी गौ माता है उनको कहीं किसी तरह की चारे की परेशानी ना हो, यही मैंने आग्रह किया था और इसी के मंशा के साथ आज गौशाला का निरीक्षण किया।